नमस्कार वेलकम एट इंग्लिश स्टडी आई एम रेखा गुप्ता टुडे वी विल डू डिस्कस ऑन ट्वेंटी लिटरेचर विद प्रैक्टिस सेट प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन हुम डिड डॉक्टर जॉनसन कॉल ही इज लिटिल कैरेक्टर मॉगर फैनी बर्नी डॉक्टर जॉनसन ने किसको अपना लिटिल कैरेक्टर मॉंगर कहा है तो फैनी बर्नी को उन्होंने लिटिल कैरेक्टर मॉगर बोला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हील्स ऑफ द नॉवेल एस कॉल्स देम रिचर्डसन फील्डिंग स्मॉलेट स्टर्न यहाँ पे सेंट्स वेरी के अकॉर्डिंग किसे नॉवल के फोर व्हील्स के रूप में जाना जाता है तो अकॉर्डिंग टू सेंट्स वे नॉवेल के फोर व्हील्स से रिचर्डसन हेनरी फील्डिंग स्मॉलेट लॉरेंस स्टर्न तो याद रखेंगे ये चारों नाम क्वेश्चन नंबर थर्ड एन ऑथर सम्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन दस ह्यूमन लाइफ इज एवरीवेयर अ स्टेट इन विच मच इज टू बी बीडियोर्ड एंड लिटिल टू बी एंजॉय हु सेट दिस एंड वेयर डॉ जॉनसन रेसेलेस यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ह्यूमन लाइफ इज एवरी वेयर स्टेट इन विच मच इज टू बी इन्ड्योर्ड एंड लिटिल टू बी एन्जॉयड इस स्टेटमेंट को किसने कहाँ पर कहा है तो इस स्टेटमेंट को डॉक्टर जॉनसन ने अपनी वर्क रेसेलेस में भूला है क्वेश्चन नंबर फोर विच टर्म डिस्क्राइब्स बेस्ट द इंग्लिश नॉवल ऑफ सेवनटीन हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड तो इंग्लिश नॉवेल जो कि 1700 से 1800 के बीच में लिखे गए थे तो इसकी क्या स्पेशलिटीज़ इस है उस टाइम पीरियड की जो भी नॉवेल्स हुआ करते थे उनके बारे में जाना जाता है कि वो सेंटिमेंटल स्कूल को बिलोंग करते थे और गोथी स्कूल को बिलोंग करते थे और साथ ही रिवोल्यूशनरी स्कूल को भी बिलोंग करते थे तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 1700 से 1800 के बीच के जो इंग्लिश नावल्स हैं वो टल स्कूल गोथिक स्कूल और रिवोल्यूशनरी स्कूल से बिलोंग करते थे और साथ ही ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे कि डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है है वर्क्स में जिसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ इंडोर करने के लिए होता है और इंजॉय करने के लिए बहुत कम होता है तो इट शुड बी रिकॉर्ड क्वेश्चन नंबर फाइव इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स पॉमेला वॉज पब्लिश्ड पॉमेला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉमेला को कितनी वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था तो टू वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था याद रखेंगे विच नॉवल्स आर रिटेन बाय रिचर्डसन रिचर्डसन ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं तो पामेला लिखा है रिवॉर्डेड इनका वर्क है क्लैरिशा जिसका सेकेंड टाइटल द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी एंड थर्ड वन इज सर चार्ल्स ग्रेंडिसन तो ये तीनों ही वर्क रिचर्डसन के हैं पामेला जिसका सेकेंड टाइटल है वर्चुअल रिवॉर्डेड जनरली पूछा जाता है क्लेरिशा और इसका सेकेंड टाइटल द यंग सॉरी दिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी सर चार्ल्स ग्रेंडिसन तो तीनों वर्क रिचर्डसन के हैं और पामेला कितने वॉल्यूम में पब्लिड हुए थे टू वॉल्यूम्स में क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द मेल कैरेक्टर्स विद दियर फीमेल काउंटर पार्ट्स यहाँ पे मेल कैरेक्टर को उनके फीमेल कैरेक्टर से मैच करना है तो आंसर इज ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर पामेला मिस्टर बी तो याद रखेंगे पामेला और मिस्टर बी ये दोनों ही कैरेक्टर पामेला जो वर्क है रिचर्डसन का उसमें से लिया गया है हु किस लवलेस इन अ ज्वेल इन क्लेरिसा रिचर्सन का जो नॉवल क्लेरिसा है उसमें लवलेस को कौन मारता है एक ज्वेल में तो मॉडर्न जो है वो लवलेस को मारता है ज्वेल में मतलब एक फाइट होती है उनके बीच में और उसी में लवलेस का मर्डर हो जाता है मॉडर्न के द्वारा किस वर्क में क्लैरिशा में और क्लेरिशा किसका वर्क है रिचर्डसन का क्वेश्चन नंबर नाइन विच इज हेनरी फिल्डिंग्स फर्स्ट नॉवेल हेनरी फील्डिंग का पहला नॉवेल कौन सा है तो जोसफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल टॉम जोन्स इज द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडिंग तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हेनरी फील्डिंग के जो नॉवेल टॉम जोनस का कंप्लीट टाइटल पूछा गया फुल टाइटल पूछा गया तो वो है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडिंग और हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट नॉवल जो है वो जोसेफ एंड्रूज है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच नॉवल डू वी मीट मिस्टर स्नैप किस नॉवल में मिस्टर स्नैप नाम का कैरेक्टर है तो जोनाथन वाइल्ड जोनाथन वाइल्ड जो नॉवेल है वहाँ पे मिस्टर स्नैप नाम का कैरेक्टर है हु रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल तो किसी इंग्लिश नॉवेल के फादर के रूप में जाने जाता है तो सैमुअल रिचर्डसन को तो सैम्यूल रिचर्डसन जिनका वर्क पॉमिला क्लेरिस सा ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क है इनको फादर ऑफ इंग्लिश नावल के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेन फिफ्टी दिस राइटर ऑफ एलिगेंट एपिस्टल्स वॉज अप्रोज बाई पब्लिशर्स टू राइट अ सीरीज ऑफ मॉडल रेटर्स हु वॉज ही सैमूल रिचर्डसन तो सेमूअल रिचर्डसन के बारे में ये बात कही गई है कि जो ये एपिस्टल्स के एलिगेंट राइटर के रूप में जाने जाते हैं और पब्लिशर जो है इनको अप्रोच किया था सीरीज ऑफ मॉडल रेटर्स लिखने के लिए तो ये सेमोल रिचर्डसन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ दिस नॉवेल्स इज कॉल्ड अ कॉमिक इपिक इन प्रोज बाय हेनरी फिल्डिंग तो हेनरी फिल्डिंग के द्वारा वो कौन सा नॉवेल है जो उन्होंने लिखा है और उसे अ कॉमिक इपिक इन प्रोज कहा जाता है तो जोसफ एंड्रीज है का जो नॉवेल जोसफ एंड्रीज है वो अ कॉमिक इपिक इन प्रोज है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जोसफ एंड्रिज हैज अब्राहम एडम एज अ कंपेनियन ड्यूरिंग हिज एडवेंचर्स हो अ कंपनी स्टॉम जोन्स आफ्टर ही टेक्स टू द रोड पार्टरीस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जोसफ एंड्रिज नाम का नॉवल है उसमें जोसफ एंड्र्यूज जो कैरेक्टर है उसका जब वो एडवेंचर्स में होता है तो उसके एडवेंचर्स के दौरान अब्राहम एडम उसका साथ हो, होता है उसके साथ में रहता है तो वहीं पर टॉम जोन्स के साथ में कौन रहता है जब वो इस तरह का एडवेंचर करता है तो टॉम तो जोन्स का साथ देता है पार्ट्रीस तो याद रखेंगे जोसेफ एंड्यूस के साथ एब्राहम एडम और टॉम जोन्स के साथ पार्ट्रेस क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द टोटल 555 पेपर्स ऑफ द स्पेक्टेटर ओवर 500 वर रिटन बाय एडिसन एंड स्टील हु कंट्रीब्यूटेड द रेस्ट स्पेक्टेटर के टोटल 555 पेपर्स आए थे और इसमें से 500 से ज्यादा एडिशन और स्टील का कंट्रीब्यूशन रहा है और जो 500 के बाद जितने बच्चे हैं उसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहा है पूछा जा रहा है तो उसमें एलेक्जेंडर पॉप बर्कले और जोनाथन स्विफ्ट का कंट्रीब्यूशन है तो याद रखेंगे द स्पेक्टेटर में एडिसन स्टील का कंट्रीब्यूशन है ही 500 पेपर्स में वहीं पे एलेक्जेंडर पॉप बर्कले और जोनाथन स्विफ्ट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एडिशन स्टाइल एज द मॉडल ऑफ द मिडिल स्टाइल डॉक्टर सेमूल जॉनसन तो किसने एडिशन के स्टाइल को द मॉडल ऑफ द मिडिल स्टाइल के रूप में उसकी तारीफ की है तो वह डॉक्टर सेमुल जॉनसन क्वेश्चन नंबर 18 विच जॉनर डेवलप्ड सिमुल्टेनियसली इन इंग्लैंड फ्रांस एंड जर्मनी इन एटीन सेंचुरी नॉवेल पूछा जा रहा है कि एटीन सेंचुरी में इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी में वो लिटरेचर का कौन सा जॉर्नर जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है तो वह है नॉवेल क्योंकि एटीन सेंचुरी को प्रोज का एज कहा जाता है और उस टाइम में सबसे ज़्यादा नावल लिखे गए थे इंग्लैंड में भी फ्रांस में भी और जर्मनी में भी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन पार्ट फर्स्ट ऑफ गुलीवर्स ट्रेवल्स गुलीवर सेफ्स सर्जन लैंडस इन लेरीपुट द लैंड ऑफ डॉल्फ वेयर डज ही लैंड इन पार्ट सेकेंड ऑफ़ द बुक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ग्लीवर्स ट्रेवल्स से कि पार्ट वन में गुलीवर जो है वो लैंडिंग करता है लिलीपुट में जो कि डॉर्स का लैंड होता है और पार्ट सेकेंड में उसी बुक के पार्ट सेकेंड में वो कहाँ पे लैंडिंग करता है तो वो बॉबडिंग गैंग नाम का जो जगह है वहाँ पे लैंडिंग करता है तो पार्ट वन में लिलीपुट और पार्ट सेकेंड में बॉबडिंग नैग नाम का जो जगह है याद रखेंगे बॉबडिंग नैग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज रिटेन बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ इट एलई सी ऑन द डेथ ऑफ अ मैट डॉग तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने कौन सा पोयम लिखा है तो एलई सी ऑन द डेथ ऑफ अ मैट डॉग नाम का पोएम इन्होंने लिखा है ये एक एलई सी है तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टू तो तो डेज वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें डो नॉट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग